नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। और इस नवरात्रि के पावन उत्सव पे मैं आपको यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जो टोटल 11 पॉइंट है, यानी 11 पॉइंट है। इन बातों को आप ध्यान अगर रखते हैं तो आपके घर में खुशी का आगमन होगा, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और दिव्य शक्तियां आपके घर में भी इन 9 दिनों के अंदर में ही आ जाएंगी। आप करोड़पति भी बन जाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये 9 पॉइंट मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। कल से नवरात्रि स्टार्ट है, पहला दिन है। अब पहला पॉइंट सुनिएगा, इन नवरात्रि के 9 दिनों में भगवान हनुमान जी को पान का बीड़ा आपको अर्पित करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, सबसे पहले तो माता रानी की मूर्ति लानी है, उसके बाद माता रानी की मूर्ति के साथ साथ कलश की स्थापना करनी है, माता को बीसा यंत्र सामने रखना है, उनके स्थापित करना है, उसके बाद उन्हें गुलाबी पीली या लाल चुनरी उड़ानी है। माता रानी को अपने हिसाब से आप भोग दे सकते हैं, और माता रानी के जितने भी मंत्रों का आप जाप करते हैं तो उसके लिए लाल चंदन की माला जरूर ले आइए, ये आपको काम करना है। इसके अलावा आपको अखंड दीपक जलाना है, और अगर नहीं जला पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह शाम आप घी का दीपक जरूर जलाएं और उसके साथ साथ दीपक में 4 लौंग भी डाल दें। उसके बाद 5 प्रकार के सूखे मेवे, और जैसा कि मैंने बोला, चुनरी आपकी अपनी स्वेच्छा अनुसार आप चूज कर सकते हैं, और वैसे अगर कोई भी ना करना चाहे तो लाल चुनरी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगला पॉइंट है कि किसी भी देवी के मंदिर में आप लाल रंग की ध्वजा, जिसे हम पताका भी कहते हैं, जिसे हम परचम कहते हैं, जिसे हम झंडा कहते हैं, किसी भी दिन जाकर आप चढ़ा सकते हैं देवी माँ को। ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर भी आप समर्पित कर सकते हैं। माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएंगे, 7 मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी माँ को अर्पित करेंगे तथा उन्हें गरीबों में बांट देंगे। तो ये थे पॉइंट जिन्हें आपको करना है। और अब आप सुनिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका आपको ध्यान भी रखना है साथ साथ। इन पॉइंट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इस नवरात्रि पे सभी चीजें आसानी से हासिल हो जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट है, नवरात्रि में आप बाल, नाखून, दाढ़ी नहीं काटेंगे। नवरात्रि में 9 दिन तक चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और कोशिश करें कि नवरात्रि पे आप जमीन पर ही सोएं। साफ सुथरे और धुले हुए कपड़े पहने आप, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस नवरात्रि में आप माता रानी के मंत्रों का जाप करते रहें। अब ये मंत्र है दुम दुम, माँ दुर्गा का मंत्र है। इस बीज मंत्र का भी आप जितना संभव हो जाप कर सकते हैं। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। ये 3 मंत्र हैं। और इसके अलावा भी
ओम एम रीम क्लीम चामुंडे विच्चे इस नवान मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितना आपके पास टाइम हो, और बहुत से लोग इस नवरात्रि का इंतजार करते हैं, 9 दिनों के अंदर में आप इतना संकल्प ले लें कि 9 दिनों के अंदर एकदम मंत्र की झड़ी लगा दें, इतना मंत्र करें कि मंत्र आपका सिद्ध हो जाए। और आप एक बात जान लीजिए, नवरात्रि, होली, दीपावली, पूर्णिमा, अमावस, इन सब चीज़ों में हमेशा मंत्र बहुत दुगुनी स्पीड से काम करता है। यानी इस समय आप अगर 1000 जाप करेंगे तो 10000 के बराबर होगा। तो आप कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जाप करें, चीज़ों को अनलॉक करें, और देखिए फिर कैसे आपकी किस्मत बदल जाती है। मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूँ कि इस नवरात्रि में आप सभी को खुशियाँ मिले। भगवान विष्णु की बहन है माता रानी, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, वो आपको सब प्रकार की चीज़ें दे, जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण करें। जो लोग गरीब हैं वो अमीर बन जाएं, जो अमीर हैं वो और भी अमीर हो जाएं, और जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम हो वो सब समाप्त हो जाए। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं वो लोगों का बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया, धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।